हेलो नमस्कार, मैं हूँ प्रियंका और स्वागत है आप सबका मेरे चैनल नियर मेरे किचन में। फ्रेंड्स, आज जो पराठा मैं लेकर आई हूँ, जो लोग ग्रीन वेजिटेबल्स लाइक करते हैं, लीफी वेजिटेबल्स लाइक करते हैं या फिर जो नहीं करते, उन दोनों को ही बहुत पसंद आने वाला है। बहुत सिंपल है, सिर्फ दो इन्ग्रीडियंट में आप इसे तैयार कर लेंगे और बनाने में भी 5 से 10 मिनट इसके लिए बहुत है। आइए जानते हैं इसके लिए क्या चाहिए। मैंने लिया है यहाँ पर आटा, गेहूं का आटा है, साथ में फ्रेश पालक जिसे मैंने धो के चुन के रख लिया है, चीज़ है और अजवाइन है। कुछ भी और एक्स्ट्रा मैं यूज़ नहीं करूँगी एक्सेप्ट ब्लैक पेपर, काली मिर्च और नमक के। ये सारी चीज़ें मैं ले ली हूँ। अब मुझे करना है, एक जार लेना है और जार में इन पालक की पत्तियों को डालूंगी। ये बहुत ही सिंपल है और बहुत टेस्टी है। अब इसको मैं कुछ सेकंड के लिए ग्राइंड कर दूंगी इस तरह। बहुत ज़्यादा स्मूथ पेस्ट नहीं बनाना है, बस क्रश हो गया है इस तरह का लिक्विड फॉर्म है। अगर आपका पालक थोड़ा सूखा है तो उसमें पानी भी डाल सकते हैं ताकि इस तरह का लिक्विडी पेस्ट बन जाए। अब मैं आटा ले लूँगी। एक बोल मैंने आटा लिया है और ये आधा बोल पालक का पेस्ट है, मैं इसमें डाल दे रही हूँ और इसे मिला लूँगी। इसकी वजह से एक तो ये बहुत हेल्दी हो जाएगा, टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा और इसका कलर बहुत ही अच्छा आएगा। थोड़ी सी सॉल्ट के साथ मैं इसे मिक्स कर लूँगी और आटा को गूंद लूँगी। स्पेशली जो बच्चे वेजिटेबल्स नहीं पसंद करते हैं, स्पेशली वो पालक अवॉइड करते हैं, उनके मुंह पे हमेशा ना रहता है पालक के लिए, वो बच्चे भी इसे मांग कर खाएंगे आपसे। क्योंकि मेरे बच्चों ने तो इसका नाम तक रख दिया है हल्क पराठा और ये बहुत शौक से खाते हैं वो। आटा रेडी है, आटा जैसा यूजुअल हम गूंथते हैं वैसा ही गूंदेंगे। और अब मैं चीज़ में अजवाइन डाल लूँगी। श्रेडेड चीज़ है तो मुझे इसे ग्रेट नहीं करना पड़ रहा है और मैं इसमें अजवाइन को मिक्स कर लूँगी। सॉल्ट मैंने ऑलरेडी आटा में डाला हुआ है और चीज़ एक्चुअली पहले से ही सॉल्टी होता है। थोड़ा सा ब्लैक पेपर डालूंगी। और इन सारे इंग्रेडिएंट को एक साथ मिक्स कर दूंगी अच्छी तरह से। चीज़ को थोड़ी देर पहले बाहर रखा है जिसकी वजह से ये सॉफ्ट हो गया है, अब इसको स्टफ़ करने के लिए इजी रहेगा। तो चलिए पराठा बनाती हूँ। इस तरह से आटा एक छोटा हिस्सा लूँगी और लोई बना लूँगी। मैं पराठे को थोड़ा सा डिफरेंट तरीका से बनाऊंगी। मैं इस तरह से इसको बेल कर इसके बाद इसमें स्टफिंग करूंगी। इस तरह से स्टफिंग करने से अक्सर पराठा फूटता नहीं है और काफ़ी फुला फुला बनता है। ये देखिए, दोनों साइड से मोड़ने के बाद मैं दोनों साइड का बचा हुआ हिस्सा भी मोड़ दूंगी। अब ये पूरी तरह से पैक हो गया है, उसमें से बिल्कुल भी चीज़ बाहर नहीं आएगा। अब इस तरह से हल्के हाथों से इसे बेल लेना है।
अब मैं तवा को गर्म कर लूँगी और उसमें थोड़ा सा घी, मैं बहुत ज़्यादा घी या बटर यूज़ नहीं करने वाली हूँ, बस थोड़ा सा घी यूज़ करूँगी। और ये बहुत कम घी में सेक कर रेडी हो जाएगा। अगर आप घी यूज़ नहीं करना चाहते तो बटर यूज़ कर लें या रिफाइंड ऑयल यूज़ कर लें। मैं अपने बच्चों के लिए बना रही हूँ इसलिए मैं घी प्रेफर करती हूँ। अब इसे पलट दूँगी। फ्लेम हमेशा मीडियम रखना है, हाई पे नहीं रखना है, नहीं तो ये जल जाएगा और इसका कलर ख़राब हो जाएगा। देखिए किस तरह से फूल रहा है। हमारा पराठा बनके रेडी है। अब मैं इसे सर्व कर लूँगी। इस तरह के और भी बहुत सारे हेल्दी और टेस्टी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। इसके लिए करना है आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब। फ्रेंड्स, मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और बेल बटन को भी हिट कीजिए ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हो सके तो मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। देखिए मैंने इसे बटर और टोमेटो सॉस के साथ सर्व किया है। मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।